हाय वेलकम टू जुरिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज ईशान। दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया कि महाराष्ट्र के डिफरेंट लोकेशन से अवेलेबल कुछ पपी की वीडियो कवर कर रहे हैं। बेहतरीन क्वालिटी पर सारे पपीज होने वाले, डायरेक्ट ब्रीडर से पपीज अवेलेबल होने वाले, या तो ब्रीडर से नहीं तो ब्रीडर प्राइस में सारे पपीज अवेलेबल होने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी बेहतरीन और क्वालिटी पपीज हम लोग कवर कर रहे हैं वीडियो में। तो फर्स्ट जो ब्रीड हम लोग कवर कर रहे हैं पाकी पपी है, बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में बहुत ही प्यारी एक्टिव पक्की पपी है और मेल फीमेल बोथ पपीज इनके पास अवेलेबल है। प्राइस बोलेंगे तो प्राइस सुन के आपको थोड़ा सा यकीन नहीं होगा। तो प्राइस बहुत ही लो है, मेल का 9000 और फीमेल का 6000 के आसपास में प्राइस है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। लोकेशन तो बोलना भूल ही गया, पुणे में है और पुणे के साथ ऑल ओवर महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा आसानी से। अगेन दोस्तों, एक चैम्पियन लाइन की जम्मू सेफर्ट की पपी अवेलेबल है मिड्रास से लेके पास मुंबई से। बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में डबल कोट की जम्मू सेफर्ट की पपी है। देख सकते हैं एक्टिविटी हेल्थ वगैरह 2.5 से 3 महीने के बीच में पपी की एज होगा। सो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में है, मेल पपी है और सेलर ने जैसे बोला कि फीमेल भी अवेलेबल हो जाएगा, बट बहुत कम पपी है। तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टेक्ट कर ले, या हो सकता है पपी निकल जाए, कोई अडॉप्ट कर ले या सोल्ड आउट हो जाए। सो अच्छा क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, अच्छा पेरेंटल डिटेल के साथ है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं, बट अगर फर्स्ट टाइम ओनर है, डॉग लेना साथ है, तो जर्मन से पता सब ब्रीड से आप लोग शुरू मत करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं बाद में जाके, अगर सही तरीके से आपको ट्रेन करना या प्रॉपर गाइडेंस वगैरह देना नहीं आए तो। सो फिलहाल बेहतरीन क्वालिटी में पपी है, हेल्दी क्वालिटी पपी है, बहुत ही एक्टिव है और किसी को गार्डन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चाहिए या फैमिली पर्पज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रीड में, हेल्थ में, ग्रोथ में है और 15000 के आसपास में ही ये पपी की प्राइस है, जो कि मेरे हिसाब से और पपी के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, अगेन महाराष्ट्र के ही सिरदी लोकेशन से अवेलेबल है लॉन्गकोट की जर्मन शेफर्ड की पपी। बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, ब्लैक मास में पपी है और ये पपी सिरदी महाराष्ट्र में अवेलेबल है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा। ये भी बहुत ही रिजनेबल, जो कि 15000 के आसपास में बीटा प्राइस में अवेलेबल है। 40 to 45 डेज के बीच में पपी की एजेज है, तो बहुत ही बेहतरीन है। जवान सेफर जैसा ब्रीड आप जितना छोटे से एज से ले उतना ही अच्छा है, बिकॉज बहुत जल्दी ये लोग सीखना शुरू करते थे। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एज से नहीं सिखाएंगे तो वो अपने तरफ से अपना सराउंडिंग्स में जो होता रहेगा चीज़ें वो सीखने लगेगा, तो बाद में आप जो भी सिखाए वो एडॉप्ट नहीं भी कर सकता है। सो जब भी ले जर्मन शेफर्ड आप ध्यान रखें, दो महीने के आसपास में उसका ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, पपीज अवेलेबल है मेरा सेलर के पास सिरदी महाराष्ट्र में एंड विथ एडिशनल डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर महाराष्ट्र डिलीवरी हो जाएगा सिरदी या आसपास के लोकेशन तक। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। अगेन दोस्तों, अलग एक सेलर के पास पुणे लोकेशन से अवेलेबल है पक्की पपी। बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, हैवी बोन की पक्की पपी है। बहुत ही लो प्राइस में ये पपी भी अवेलेबल है और बेहतरीन ब्रीड है, हेल्दी ब्रीड है, बहुत ही प्यारी ब्रीड है, एक्टिव ब्रीड है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है या जिनको भी ज़रूरत है या खोज रहे थे ऐसे बेहतरीन ब्रीड की पपी, सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं। डिलीवरी भी ऑल ओवर महाराष्ट्र तक हो जाएगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर ले। 6 to 7000 के बीच में पर पपी की प्राइस है, जो कि खुद ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस है और बहुत बेहतरीन पपी है। इतना का प्राइस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। सो पुणे के आसपास में कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, बाकी और ओवर महाराष्ट्र तक तो बहुत आसानी से डिलीवरी हो जाएगा। अगर दोस्तों, पुणे में ही अलग एक सेलर के पास से अवेलेबल है बहुत ही एक्टिव जर्मन शेफर्ड की पपीज। बहुत ही सुपर एक्टिव पपी है, बहुत ही प्यारी पपी है, बहुत हेल्दी पपी है और देख सकते हैं डबल कोट की पपीज़ है और अप्रोक्सीमेटली दो से ढाई महीने के बीच में हो रहा है एज। सो बहुत ब्यूटीफुल एज में है, हेल्थ में, ग्रोथ में है, ब्लैक मास में पपी है और बहुत ही खूबसूरत है। बड़ा होके भी बहुत खूबसूरत डॉग बनेगा, बट अगेन बोलता हूँ फर्स्ट टाइम अगर ओनर बनने जा रहे हैं डॉग के साथ, तो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए तो ये ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप पहले रखे हैं डॉग तो बहुत आसानी से रख सकते हैं। सो जिनको भी दोस्तों ये पपी की रिक्वायरमेंट है, सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं। 12 to 15000 के बीच में पर पपी की प्राइसेस है। अगेन दोस्तों, पुणे में ही एक सेलर के पास अवेलेबल है सिज्जू की पपी। बेहतरीन ब्रीड है, हेल्दी ब्रीड है, बहुत प्यारी ब्रीड है और सिज्जू जैसे ब्रीड जब भी आप ले, थोड़ा सा कॉन्शियस होके ले, बिकॉज सिज्जू और लासा में काफ़ी ज़्यादा
देखने में मतलब सिमिलरिटीज होता है। एक जो बच्चा होता है सिज्जू का या लासा का, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करके नहीं गए हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सिज्जू का है या लासा का है। अगर बड़े कैनल पे जा रहे, फार्म पे जाना है और बहुत सारा पपीज आपको दिखाया है सिज्जू लासा, ऐसे बहुत सी ब्रीड है उनके पास, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा लासा है कौन सा सिज्जू है, बिकॉज़ वीडियोज़ में सारे पपीज देखने में लगभग सेम ही लगते हैं, बट जब फिज़िकली देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कौन सा लासा है या कौन सा सिज्जू की पपीज़ है। सो जब भी जाए आप मेरे हिसाब से अच्छा एक सेलर के पास जाए, अच्छा ब्रीडर के पास जाए, और हो सके तो पेरेंट्स देखे, तब जाके आपको सही ब्रीड का पता चलेगा। और सिज्जू सिज्जू की फीमेल के साथ लासा का मेल का अगर ब्रीडिंग करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो जो पपी निकलेगा लगभग 3-4 महीने तक तो पता ही नहीं चलेगा कि सिज्जू है ना लासा है, आपको सिज्जू सिज्जू ही लगेगा। बट जब बड़ा होगा तब फेस उसका पॉइंटेड होगा और नाक भी बाहर निकलेगा और साइज में भी बड़ा होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सिज्जू नहीं लासा ब्रीड है। सो जब भी ले ध्यान दे के ले, अच्छा पपी ले, हेल्दी पपी ले, और जिसका पेरेंट्स आपने देखे मेरे हिसाब से ऐसे ब्रीड का पपी ले, तब जाके आपको 100% क्वालिटी का सिज्जू मिलेगा। सो फिलहाल दोस्तों ये पपीज अवेलेबल है पुणे में मेरा सेलर के पास, एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र डिलीवरी हो जाएगा 15,000 का आसपास में पर पपी की प्राइजेस है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं। और दोस्तों एक दिन अलग एक सेलर के पास से पुणे में अवेलेबल है सिज्जू की पपी, बेहतरीन क्वालिटी में व्हाइट एंड रेड कलर में सिज्जू की पपी है, बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी, बहुत ही प्यारी, बहुत एक्टिव पपी है, देख सकते हैं बहुत बहुत ही खूबसूरत पपी है और बहुत ही प्यारी पपी है। सो जिनको भी ये पपी की भी रिक्वायरमेंट है सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये तो कोई इशू नहीं है, 100% प्योर सिज्जू की पपी है। और ये किसी पर के साथ भी अवेलेबल हैवी बोन का पपी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, प्राइस भी 20,000 के आसपास में है। अगेन दोस्तों ये सेम सेलर के पास ही अवेलेबल है पुणे में पाकी पपीज, बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, रिंकल वाला फेस पे पूरा रिंकल आ गया है, अंडरनोज का पापी है, और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, 10,000 के नीचे के प्राइस में पार पापी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। सो जिनको भी ये पपीज की रिक्वायरमेंट है या खोज रहे थे ऐसे बेहतरीन ब्रीड की पपीज, सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, डिलीवरी भी ऑल ओवर महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों अगेन पुणे से अवेलेबल है गोल्डन रिट्रीवर की पपी, बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, और बहुत ही प्यारी हेल्थ है, हेल्दी पपी है, और बहुत बेहतरीन ब्रीड होता है, हेल्दी ब्रीड होता है, बहुत ही प्यारी होता है। सो बोलने का ज़रूरत नहीं है, फिलहाल पपी देखिए, पपी अवेलेबल है पुणे में, एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है सलाह के साथ कॉन्टेक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, प्राइस भी 15,000 के आसपास में ये पार पपी की प्राइजेस है।